रहे हैं गदौलिया चौराहा और यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज तारीख की बात करूं 22 जुलाई और दिन है शनिवार का, तो चलिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। जबरदस्त आज शाम का भीड़। चलिए चलते हैं सीधे आपको लेकर गदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट की तरफ और वहां मैं आपको गंगा के बढ़ते जल स्तर का अपडेट दूंगा। काफी जबरदस्त शाम के भीड़, ये सभी जाएंगे आपका गदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट की तरफ। छह बजने वाले हैं और ये आप देख रहे हैं गदौलिया मार्ग का। सावन करीब 2 महीने का है, इसके फलस्वरूप कांवड़ियों की भीड़ उतनी नहीं है जितनी 1 महीने होने पर होती है। फिलहाल वाराणसी में बारिश बहुत ही कम हो रही है, लेकिन गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। चलिए चलते हैं विश्वनाथ गली से, पुरानी विश्वनाथ गली है ये, और यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। देख रहे हैं ये है पुरानी विश्वनाथ गली। ये मैं आ गया हूँ कॉरिडोर के अंदर, यहाँ से चलते हैं अब घाट की तरफ क्योंकि काफ़ी रास्ता संपर्क टूटा हुआ है घाट का, तो कॉरिडोर के अंदर गलियों के माध्यम से पहुँचना पड़ेगा आपको भी। हम आ गए हैं शंकराचार्य चौक अंदर की तरफ है और ये है गेट नंबर 1। देख रहे हैं कॉरिडोर का गेट नंबर 1 परिसर, अमृत भवन, सामने में रेस्टोरेंट है उड़पी एक्सप्रेस, और यहीं से मैं आगे चलता हूं आपको लेके गंगा द्वार की तरफ। सामने देख रहे हैं गंगा द्वार, यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्रोग्राम करने के लिए कथा, राम कथा, जिसके चलते सामने की तरफ गंगा द्वार आपको पूरी तरीके से बंद दिखाई देगा। फिलहाल गंगा द्वार से नीचे की तरफ जाना बंद है अभी। ये हम आ रहे हैं ललिता घाट और ये आप देख रहे हैं गंगा द्वार। फिलहाल ये आप देख रहे हैं ललिता घाट के पास पूरी तरीके से
जलमग्न हो चुका है सामने की तरफ। गंगा के बढ़ते जल स्तर के फलस्वरूप पूरे घाट का संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। यह आप देख रहे हैं ललिता घाट। गंगा द्वार पूरी तरीके से बंद। जबरदस्त जल स्तर में बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। ये है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए दोस्तों, ये मैंने दिखाया आपको ललिता घाट के नीचे की तरफ। कॉरिडोर पूरी तरीके से बंद है। चलिए चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के पास नीचे से आगे की तरफ। ये देख रहे हैं, ये है नेपाली टेंपल यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर। और यहीं से मैं आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा। ये आप देख रहे हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर। और यहां से देख रहे हैं नेपाली टेंपल से नीचे। Yep।
चलिए दोस्तों, अब आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा, पूरी तरीके से संपर्क मार्ग यहाँ पर टूटा हुआ है, एक घाट से दूसरे घाट तक आने जाने का। इसमें कॉरिडोर पूरा सामने की तरफ बंद है। फिलहाल वापस आपको ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में पूरी तरीके से जो है बाढ़ के कारण, गंगा जी के बढ़ते जल स्तर के कारण पूरे घाट का संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। तो चलिए, वीडियो को अब यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, हर हर महादेव। ये हम देख रहे हैं त्रिपुर भैरवी घाट, ठीक मीर घाट के बगल में। पूरी तरीके से रास्ता बंद। ये रास्ता सीधे आगे चले जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ। ये देख रहे हैं मीर घाट। आपका काम पसंद है।